बायसी अनुमंडल अंतर्गत बायसी प्रखंड में जिला अधिकारी के आदेश के बाद बायसी के प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी देखी गई। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार वत्स की अगुवाई में बायसी थाना प्रभारी, बायसी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित पुलिस बल के तमाम जवान बायसी बाजार पहुंचे, जहां NH 31 के दोनों तरफ जितनी भी दुकानें खुली थी उन सबको बंद करवाया गया। इनमें सिर्फ मेडिकल, दूध वाले, राशन दुकान और सब्जी दुकान को छूट दी गई। NH 31 से लेकर पश्चिम चौक तक ये कार्रवाई की गई। साथ ही किसी भी प्रकार के वाहन को रोड में ना चलने की अपील की है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार वत्स ने कहा कि सब अपनी दुकान बंद कर अपने घर चले जाएं, 31 तारीख तक कोई भी आवागमन ना करें। ऐलान किया जा रहा है, ये दुकान बंद हो रहा है प्रशासन के कारण से। प्रशासन ये जो बीमारी वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन के थ्रू। कौन मार्केट है ये? बायसी मार्केट है, पश्चिम चौक। अच्छा, पूरे दुकान को बंद किया जा रहा है। हाँ, पूरे दुकान बंद किया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पूरा दुकान बंद करें, ये कोरोना वायरस की वजह से 31 तारीख तक बंद रहेगा। बंद रहेगा इसके लिए बंद किया जा रहा है दुकान। कोरोना वायरस का जो यहाँ प्रकोप बढ़ा है, इसके हाथ के तौर पर हम लोग बंदी कर रहे हैं। सरकार का आदेश है, मेडिकल दुकान, आवश्यक दुकान जो 20% है वो खुला रहेगा, बाकी सारे दुकान बंद रहेंगे। किसी प्रकार का वाहन अनावश्यक नहीं निकलेगा, सारे वाहन बंद रहेंगे। कब तक रहेंगे सर? ये 31 तक रहेंगे। दुकानें बंद किया गया है 31 से लेकर पूरा मार्केट में, किस लिए बंद किया गया? ये राज्य सरकार और जिला पदाधिकारी पूर्णिया के आदेश के आलोक में जो है, पूरा जिले में और पूरे राज्य में 31 तारीख तक लॉकडाउन किया गया कोरोना वायरस को लेकर। इसी संदर्भ में जो है, सभी दुकानदारों से अपील किया गया कि अपना अपना आवश्यक सेवा छोड़ के जो है सभी दुकान बंद रहेंगे। देख रहे हैं सर कि गाड़ी NH पे चल ही रही है, टेम्पो माल वाहक चल रही है, ऑटो ऑटो भी बंद हो गई है। अब नहीं चलेगी। लोगों का भरसक प्रयास है, आम जनता से भी अपील है कि गाड़ी घोड़ा बंद रहे, घर में ही रहें। आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ।